मैं चाह रहा था कि हम इसी महीने की कोई डेट फिक्स कर लेते हैं। It's too early, दानिश। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अम्मी की हेल्थ कंडीशन क्या है। मैं इस तरह फौरी शादी करने का फैसला नहीं कर सकती। हाँ भाई। अम्मी वो मैंने ना आपके लिए एक खातून का इंतजाम किया है जो 24 घंटे आपके साथ रहेंगी। क्यों, तुम नहीं रहोगी मेरे साथ क्या? मैं रहूंगी अम्मी आपके साथ, लेकिन मुझे जॉब पे भी जाना होता है ना। आप घर में पूरा दिन अकेली होती हैं तो मुझे बहुत फिक्र होती है। हाँ ये तो है, जब तुम ऑफिस चली जाती हो ना तो बहुत अकेला अकेला महसूस होता है। और ये तुम्हारे बाबा भी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ये तो है। हाँ तो बस अब आप बिल्कुल अकेले नहीं होंगे, वो आपके साथ भी रहेंगी, आपके काम भी करेंगी, आपके लिए खाना भी पकाएंगे और आपकी सारी बातें भी सुनेंगे। और तुम नहीं करोगी ये काम, तुम नहीं रहोगी यहाँ? अम्मी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, लेकिन मुझे ऑफिस जाना होता है ना, और अब मेरी शादी भी होने वाली है। हाँ शादी भी तो होने वाली है भाई, ये तो है। तुम्हारे बाबा कह रहे थे बहुत धूमधाम से करेंगे हम अपनी बेटी की शादी। बस तो फिर ऐसे ही होगा, जैसा बाबा ने कहा है हम वैसी शादी करेंगे। हाँ अच्छा सुनो, हम तुम्हारा नया निकाह जुमे के दिन करेंगे। ठीक है। और मैंने इतना प्यारा कलर सोचा हुआ है, लाइट लेमन सा, येलोइश, बस वैसे रंग का जोड़ा तुम्हारे लिए लेंगे, तुम वो पहनना। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। अम्मी अम्मी आप मेरी शादी को लेके खुश तो है ना? हाँ मेरी जान मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश, हमेशा खुश रहो मेरी दुआ है। देखो तुम ऐसा करो कि तुम फुल टाइम केयरटेकर रख लो उनके लिए, जो दिन रात उनके साथ रहे, उनको टाइम पे मेडिसिन दे, उनके खाने पीने का ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे। और अरे तुम कौन सा शहर छोड़कर जा रही हो, यहीं पे ही होगी, जब तुम्हारा दिल चाहे जाके उनसे मिल लेना। और मेरे ख्याल से इस वक्त बेहतरीन टाइम है, इस वक्त तुम्हारी अम्मी तुम्हारी ज़िंदगी के मामलों को समझने बूझने की सलाहियत रखती हैं। कल को वो इससे भी कासिर हो गई तो ज़िंदगी हमारी है, सोच समझ के फैसला करूँगा।